Vedanta Computer Institute, Paliganj, Patna, Bihar. हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका वेदांता कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नोटपैड का कुछ स्पेशल फीचर्स, यानी कि नोटपैड का कुछ खास विशेषता जो देखने के बाद, सीखने के बाद आपको ताजुब होगा कि अरे वाह, नोटपैड में ऐसा भी होता है। जी हाँ दोस्तों, तो देर ना करते हुए हम लोग आज के क्लासेस में सीखेंगे नोटपैड का कुछ विशेष फीचर्स, जिसके अंतर्गत आपको सिखाया जाएगा सिंबॉलिक लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं और साथ ही साथ हिंदी में कैसे लिखा जाता है। जैसा कि आप यहाँ हेडिंग भी देख सकते हैं, हमने हेडिंग दिया है नोटपैड स्पेशल क्लास। यहाँ यह बिल्कुल स्पेशल है और कमाल का ट्रिक है जो आज हम लोग थोड़ी देर में देखने वाले हैं। तो देर ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं नोटपैड की ओर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा स्क्रीन पर नोटपैड का विंडोज खुला चुका है। अब हम लोग यदि सिंपली हम लोग पढ़ चुके हैं, नोटपैड का 3 वीडियो अपलोड किया जा चुका है और यह है आखिरी वीडियो, जिसके तहत हम लोग कुछ विशेष फीचर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो नोटपैड के पहले वाले वीडियो में हम लोग सारा चीज पढ़ चुके हैं। अब आते हैं स्पेशल क्लासेस, यानी कि स्पेशल पॉइंट, नोटपैड का एक ऐसा बिंदु जिसको सुनते ही ताजुब करेंगे, अरे वाह ऐसा भी होता है। तो देर ना करते हुए देखिए, एज यूजुअल हम लोग यदि नोटपैड में किसी को लिखते हैं तो आप देख सकते हैं इंग्लिश में लिखा रहा है। देखिए इंग्लिश में लिखा रहा है, लेकिन मेरा इच्छा है कि नहीं भाई, हम कुछ सिंबॉलिक कोड में लिखना चाहते हैं। सिंबॉलिक मतलब चिन्ह के रूप में लिखना चाहते हैं, ताकि हम लिखें तो कोई दूसरा व्यक्ति इसे पढ़ न सके। तो उसके लिए हम लोग को फॉर्मेट के अंतर्गत फॉन्ट ऑप्शन में जाना है। ठीक है, फॉर्मेट के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन, फॉन्ट ऑप्शन। और इस फॉन्ट ऑप्शन में जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे फॉन्ट कुछ चूज करना है, तो यहाँ विंग डिंग चुनना है। फिर से एक बार विंग डिंग, देखिए विंग डिंग 1, 2 और 3, तीनों में से कोई भी एक स्टाइल को पिक कर लेंगे। नाम याद रखना विंग डिंग, तो हमने विंग डिंग चूज कर लिया। और पिछला वीडियो के अकॉर्डिंग साइज वगैरह चुनने के लिए बताए थे हम, तो साइज चूज कर लेंगे और ओके कर देंगे। क्लियर है, याद रखेंगे फॉन्ट का स्टाइल क्या नाम है, विंग डिंग। तो बस आपको फॉर्मेट में जाना है, फॉन्ट में जाना है, विंग डिंग यहाँ से चूज करके साइज चुन के ओके कर देना है। अब आप लिखिएगा, कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो वो सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखाएगा। जैसा कि देखिए लिख रहे हैं हम, अब इसे देख करके कोई कही नहीं सकता है कि क्या लिखा जा रहा है ना, कुछ कमाल का ट्रिक। फिर इंटर दबाए हम, फिर से हमने लिखा, तो जब हम टाइप कर रहे हैं तो सिर्फ हमें ही पता चलेगा कि हमने क्या लिखा है, क्योंकि कीबोर्ड पर मेरा उंगली चल रहा होता है, तो कीबोर्ड के थ्रू हम लोग को सिर्फ पता चलेगा कि हमने क्या प्रेस किया। लेकिन इनकेस जब हम अकेले होंगे और ये सभी चीज़ों को रीड करना चाहते हैं कि क्या लिखा हुआ है, तब इसके लिए आपको पुनः फॉर्मेट में जाना है, फिर से फॉन्ट में जाना है और यहाँ पे जो विंगडिंग चुने थे यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन कर देना है। देखिए TIM हमने लिखा, लिखते ही नीचे टाइम्स न्यू रोमन आ गया, चूज कीजिए और ओके कर दीजिए। जैसे ही ओके करेंगे ये जो सिंबल में लिखा हुआ है यह इंग्लिश में चेंज हो जाएगा। देखिए है ना, कमाल का ट्रिक। तो अब चलते हैं ट्रिक नंबर 2, यानी कि हिंदी में कैसे लिखें, हाउ टू राइट इन हिंदी। जी हाँ दोस्तों, हिंदी में कैसे लिखें। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हिंदी आता तो है लिखने, कीबोर्ड का हर बटन उन्हें याद है, लेकिन नोटपैड चालू करके दे दिया जाए तो उनसे हिंदी लिखाता ही नहीं है। तो हिंदी लिखने के लिए भी आपको बिल्कुल सेम प्रोसेस करना है, फॉर्मेट में जाना है, उसके बाद पुनः फॉन्ट में जाना है। ठीक है, फॉर्मेट और उसके बाद फॉन्ट, बॉक्स खुल गया है। एक बात और अलग से आप ध्यान देंगे, हिंदी लिखने के लिए जिस तरह सिंबल में लिखने के लिए हम लोग देखिए सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखने के लिए विंग डिंग चुने थे, उसी तरह से हिंदी में लिखने के लिए कृति देव चुनना है। इसको याद रखेंगे, इस चीज को आप माइंड में सेटअप कर लीजिए। यदि आप सिंबल में लिखना चाहते हैं, चिन्ह के रूप में लिखना चाहते हैं विंग डिंग, और हिंदी में लिखना चाहते हैं कृति देव, तो इसके लिए हम लोग पुनः फॉर्मेट में जाते हैं, फॉन्ट में जाते हैं। हमने अब बताना था कृति देव, तो यहाँ टाइम्स न्यू रोमन लिखा हुआ, आप लिखेगा KRU, बस इतना ही लिखना है आपको, KRU इतना लिखते ही ग्य त न च प, देख रहे हिंदी लिखा हुआ कोड आ गया है।
अब इसमें से जो भी आपको पसंद आ रहा है आप यहाँ से चूज कर लीजिए, उसके बाद ओके कर दीजिए। सेटिंग कर दिए, अब हम लोग कीबोर्ड से कोई भी बटन को प्रेस करेंगे तो हिंदी लिखाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि पापा के लिए पी ए, ऐसा नहीं होता है। कीबोर्ड में जितने भी बटन है या सभी बटन का कोड होता है, सभी बटन का वैल्यू होता है जो हमें याद करना होता है। जैसे कि ए से अनुस्वार होता है, एस से एकार होता है, डी से क होता है। इसी तरह से जितने भी अल्फाबेट हैं सबका अपना एक हिंदी मान होता है। तो अब हमें लिखना है का, तो डी से क होता है, तो हम यहाँ डी दबाएंगे ना, तो डी नहीं लिखाएगा क लिखाएगा, क्योंकि हम वहाँ कृतिदेव चूज किए हैं यहाँ फॉर्मेट में जा करके, और कृतिदेव चूज किए हैं, और कृतिदेव चूज किए हैं इसका मतलब है कि जो हम लिखेंगे वो हिंदी में लिखाएगा। तो देखिए डी क लिखाया, के आकार की मात्रा, फिर डी आकार की मात्रा, का का। इसी तरह पापा लिखना है हमें, तो आई से प होता है, फिर के से का होता है, फिर आई से प होता है, के से आकार की मात्रा होती है, तो हमने लिख दिया पापा। इसी तरह देख रहे हैं त तो लिखा हुआ है, इसी तरह पी दबाएं तो च लिखा हुआ है, जैसे चाचा लिखना है तो पी दबाएंगे आकार की मात्रा, फिर पी आकार की मात्रा, के से होता है। इस तरह से हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं। तो नोटपैड का विशेष फीचर्स हम लोग सीखे कि नोटपैड में हम लोग हिंदी में और सिंबॉलिक लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं। तो आशा करते हैं यह दोनों ही ट्रिक आपको बहुत ही लाभदायक लगा होगा और बहुत ही रोचक भी है। जी हाँ दोस्तों, तो बता दें कि हमारे यहाँ अभी फिलहाल ऑफलाइन क्लासेस बंद है और ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ही आपको अध्ययन करवाया जाएगा। तो आज फिर से एक वीडियो अपलोड किया जाएगा और नोटपैड के आगे हम लोग अब शुरू करने वाले हैं वर्ड पैड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक नया टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे द्वारा अपलोड किया गया प्रत्येक वीडियो को देखिए। यदि आप को कोई समस्या हो, डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछिए या व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं PDF प्राप्त करने के लिए। तथा एक बात और बता दें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में हमने लैब का कुछ क्वेश्चंस अटैच किया है, आप वहां से PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।